2019 में और दूसरी बार 2022 में। पिछली बार सलमान खान को धमकी की चिट्ठी उनके पिता सलीम खान को उस जगह मिली थी जहां वो सुबह पार्क में सैर करने जाते थे। वहीं उन्हें बेंच पर पड़ी एक चिट्ठी दी गई थी जिसमें सलमान खान को सबक सिखाने का ऐलान था। पहली कोशिश 2019, एक बार हरियाणा का गैंगस्टर और बिश्नोई का करीबी संपत मेहरा साल 2019 में मुंबई गया था और सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट की रेकी की गई थी। हथियार की रेंज कम होने की वजह से प्लान टाल दिया गया था। वापस हरियाणा बड़े हथियार लेने आया था जब उसे गिरफ्तार किया गया था। दूसरी कोशिश 2022, बिश्नोई गैंग के शूटर कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ के कहने पर सलमान खान पर हमला करने मुंबई गए थे। मुंबई में कमरा किराए पर लिया, सलमान खान के फार्म हाउस की पूरी रेकी की गई। फार्म हाउस के गार्ड से शूटर ने दोस्ती कर ली थी। सलमान के हर मूवमेंट की रेकी की गई। सलमान खान के साथ भरी सुरक्षा होने की वजह से प्लान फेल हो गया था। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार इसके पहले दो बार सलमान खान पर हमले की योजना बना चुके हैं। पहली बार बिश्नोई ने हरियाणा के गैंगस्टर संपत मेहरा को मुंबई भेजा था। संपत मेहरा ने सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट की कई दिनों तक रेकी की थी, लेकिन संपत मेहरा के पास जो हथियार था उसकी रेंज काफी कम थी, लिहाजा प्लान टल गया। बाद में संपत मेहरा को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। दूसरी प्लानिंग सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के ठीक बाद रची गई थी। गोल्डी बरार ने कई शूटरों को मुंबई भेजा था। शूटरों ने सलमान खान के फार्म हाउस की प्रॉपर रेकी की थी, लेकिन सलमान खान के इर्द गिर्द सुरक्षा व्यवस्था बेहद पुख्ता थी, इसलिए उस दौरान भी प्लान को टाल दिया गया। ऐसे में तीसरी धमकी को मुंबई पुलिस बेहद गंभीरता से ले रही है। बंदोबस्त भी चौकस कर दिया गया, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। दिल्ली से अरविंद ओझा और मुंबई से दीपेश त्रिपाठी के साथ दिव्येश सिंह, आज तक। सलमान खान को धमकी भरा ईमेल भेजने वाले गैंगस्टर यू तो पहले से ही पुलिस के रडार पर है, लेकिन इस धमकी भरे ईमेल में यह बात साफ हो जाती है कि इन गैंगस्टर्स के हौसले कितने बुलंद हैं, जो पुलिस की इतनी सख्ती के बावजूद लगातार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ये चेहरा देश के लाखों करोड़ों दिलों में बसता है, पसंदीदा और दबंग हीरो सलमान खान लाखों करोड़ों फैंस की जान में बसते हैं। लेकिन इन दिनों इस हीरो के दिल में इन दो चेहरों ने अपनी जगह बना रखी है। एक है पंजाब का गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और दूसरा है उसका साथी और कनाडा में बैठकर हिंदुस्तान में गैंग चलाने वाला गोल्डी बराड़। पंजाब से लेकर मुंबई तक इन दोनों के नाम की दहशत फैल चुकी है। लॉरेंस बिश्नोई ऐसा गैंगस्टर है जो पिछले काफी अरसे से जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन उसकी जुर्म की हुकूमत बेधड़क चल रही है। पंजाब के सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से ही दोनों गैंगस्टर पुलिस की आंखों की किरकिरी बन चुके हैं। 30 साल का लॉरेंस बिश्नोई असल में एक पुलिस अफसर की औलाद है और चंडीगढ़ से पंजाब यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई कर चुका है। उसी दौरान लॉरेंस की मुलाकात गोल्डी बराड़ के साथ हुई थी। छात्र राजनीति के दौरान ही लॉरेंस ने पहला कत्ल किया था, जेल में रहकर बनाया था गैंग। कत्ल की उस वारदात के बाद लॉरेंस तो पकड़ा गया, लेकिन गोल्डी बराड़ कनाडा भाग गया। करीब 12 साल पहले लॉरेंस उस वक्त सुर्खियों में आया था जब उसने काले हिरण के शिकार के मामले में सलमान खान को जान से मारने की पहली बार धमकी दी थी। लेकिन उसके बाद तो सिलसिला ही चल निकला, मगर पिछले साल 29 मई को सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद से गोल्डी बराड़ का ही नाम सबकी जुबान पर छा गया। पुलिस की तफ्तीश में ये बात सामने आ चुकी है कि जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई ने वर्चुअल नंबरों से विदेश में मौजूद गोल्डी बराड़ से कई बार बातचीत की और सिद्धू मूसेवाला को मारने की साजिश दिल्ली के तिहाड़ जेल में रची गई। असल में सिद्धू मूसेवाला का कत्ल एक गैंग वॉर का नतीजा बताया जा रहा है। असल में साल 2021 के अगस्त में मोहाली में विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या के बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सिद्धू मूसेवाला को
ठिकाने लगाने का इरादा कर लिया था और उससे दुश्मनी ठान ली थी। असल में सिद्धू मूसेवाला के पीछे पंजाब का बम्बीहा गैंग था, इसीलिए सोशल मीडिया के जरिए सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई के अलावा गोल्डी बराड़ ने ली थी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने सरकार और पुलिस की नाक में दम कर रखा है। वैसे तो लॉरेंस बिश्नोई पिछले 8 सालों से जेल में बंद है, लेकिन उसकी साजिशें कभी बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। उधर गोल्डी बराड़ कनाडा से आपराधिक साजिशें रच रहा है और लगातार लॉरेंस के साथ मिलकर क्राइम सिंडिकेट चला रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सरकार आखिर इनके आगे बौनी साबित कैसे हो रही है। हिंदुस्तान से लेकर कनाडा और कनाडा से लेकर अमेरिका के कैलिफोर्निया तक गोल्डी बराड़ कानून को धत्ता बताता घूम रहा था और हिंदुस्तान की पुलिस उसे पकड़ने के लिए इंटरपोल के सहारे उसकी परछाई का पीछा करती घूम रही है। लेकिन जैसे ही एक बार फिर सलमान खान को धमकी भरा ईमेल भेजने का किस्सा सामने आया, ये नाम फिर सुर्खियों में छा गया। चिराग गोठी के साथ आज तक ब्यूरो। बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान को एक बार फिर धमकी मिली है और ताज्जुब नहीं है कि यह धमकी पंजाब के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खास साथी और कनाडा से अपना गैंग चलाने वाले गोल्डी बराड़ की तरफ से आई है। हैरानी की बात यह है कि इस बार यह धमकी सलमान खान के ईमेल आईडी पर आई है और जब सलमान के मैनेजर ने उसे देखा तो उनके होश उड़ गए। बॉलीवुड के दबंग को एक गैंगस्टर की धमकी, फिर सलमान खान को झटका देने की धमकी, ईमेल के जरिए भेजी गई धमकी की चिट्ठी, गोल्डी बराड़ की तरफ से भेजा गया है ईमेल। पुलिस का यह बंदोबस्त एक बार फिर चौकन्ना हो गया। मुंबई पुलिस के जवान इस वक्त बॉलीवुड के दबंग के घर की पहरेदारी के लिए तैनात किए गए। सलमान खान एक बार फिर हैरान भी हैं और परेशान भी, क्योंकि एक बार फिर उनको धमकी दी गई है और बॉलीवुड के इस भाई को धमकी देने के पीछे जो अक्ष नजर आया है वो कोई और नहीं बल्कि पंजाब के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और सात समंदर पार से पंजाब में गैंग चला रहा लॉरेंस का खास दोस्त गोल्डी बराड़ है। दरअसल सलमान खान के पर्सनल असिस्टेंट को एक ऐसा ईमेल मिला जिसे पढ़कर वो खुद पसीना पसीना हो गए। ये धमकी भरा ईमेल जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से उसके गुर्गे गोल्डी भाई उर्फ गोल्डी बराड़ की तरफ से आया। अब इस ईमेल में क्या लिखा है जरा उसकी एक बानगी देखिए। 18 मार्च को सलमान खान के मैनेजर को ईमेल आया। ईमेल में साफ साफ सलमान को धमकी दी गई। ईमेल में लिखा था, गोल्डी भाई को तेरे बॉस यानी सलमान खान से बात करनी है। इंटरव्यू देख ही लिया होगा उसने, शायद नहीं देखा हो तो बोल देना, देख ले। मैटर क्लोज करना है तो बात करवा दो, फेस टू फेस करना हो तो भी बात करा दो, अभी टाइम रहते इन्फॉर्म कर दिया है, अगली बार झटका ही देखने को मिलेगा। इस टाइम जो मार्च 18 को पिछले 2-3 दिनों में जो उनको धमकी भरा ईमेल आया उसको लेकर उनके मैनेजर प्रशांत गुंजलकर ने FIR कराई बांद्रा पुलिस स्टेशन में। और अगर आपको एक और बार फिर से नज़रिया दिखा दे, बांद्रा बैंडस्टैंड का यहाँ पर है और हम गैलेक्सी अपार्टमेंट्स के बिल्कुल बाहर है और आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आज ज़्यादा फैंस भी नहीं है क्योंकि मुंबई पुलिस और उनके बॉडीगार्ड्स किसी फैंस को यहाँ खड़े नहीं रहने दे रहे। ये धमकी वाले ईमेल के बाद मुंबई पुलिस ने सबको यहाँ पर खड़े रहने से मना कर दिया है। हालांकि 3 लोगों का नाम इसमें बार बार आ रहा है, गोल्डी भरार, लॉरेंस बिश्नोई और गर्ग, रोहित गर्ग, जिन्होंने ईमेल भेजा था। उन्होंने कहा कि अगर सलमान खान माफी मांगते हैं तो हम ये बात को यहीं पर जाने देंगे, इस टाइम हम लोग ने सिर्फ धमकी दी है, अगली टाइम धमकी का कोई समय नहीं होगा। ईमेल मिलते ही सलमान के मैनेजर बांद्रा पुलिस थाने पहुंचे, केस दर्ज कराया। पुलिस ने भी तुरंत सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट की सुरक्षा बढ़ा दी, वहाँ पुलिस की जिप्सी तैनात कर दी गयी।
सलमान के मैनेजर ने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें तीन नाम है। पहला लॉरेंस बिश्नोई का जो जेल में बंद है, दूसरा गोल्डी बराड़ का जो कनाडा में छिपा बैठा है, और तीसरा नाम है रोहित गर्ग का जिसके नाम से ये धमकी भरा ईमेल भेजा गया है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब सलमान खान को धमकी मिली हो। इससे पहले भी लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे दो बार सलमान पर हमले की साजिश रच चुके हैं, पहली बार 2019 में और दूसरी बार 2022 में। पिछली बार सलमान खान को धमकी की चिट्ठी उनके पिता सलीम खान को उस जगह मिली थी जहां वो सुबह पार्क में सैर करने जाते थे। वहीं उन्हें बेंच पर पड़ी एक चिट्ठी दी गई थी जिसमें सलमान खान को सबक सिखाने का ऐलान था। पहली कोशिश 2019, एक बार हरियाणा का गैंगस्टर और बिश्नोई का करीबी संपत मेहरा साल 2019 में मुंबई गया था और सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट की रेकी की गई थी। हथियार की रेंज कम होने की वजह से प्लान टाल दिया गया था। वापस हरियाणा बड़े हथियार लेने आया था जब उसे गिरफ्तार किया गया था। दूसरी कोशिश 2022, बिश्नोई गैंग के शूटर कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ के कहने पर सलमान खान पर हमला करने मुंबई गए थे। मुंबई में कमरा किराए पर लिया, सलमान खान के फार्म हाउस की पूरी रेकी की गई। फार्म हाउस के गार्ड से शूटर ने दोस्ती कर ली थी। सलमान के हर मूवमेंट की रेकी की गई। सलमान खान के साथ भरी सुरक्षा होने की वजह से प्लान फेल हो गया था। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार इसके पहले दो बार सलमान खान पर हमले की योजना बना चुके हैं। पहली बार बिश्नोई ने हरियाणा के गैंगस्टर संपत मेहरा को मुंबई भेजा था। संपत मेहरा ने सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट की कई दिनों तक रेकी की थी, लेकिन संपत मेहरा के पास जो हथियार था उसकी रेंज काफी कम थी, लिहाजा प्लान टल गया। बाद में संपत मेहरा को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। दूसरी प्लानिंग सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के ठीक बाद रची गई थी। गोल्डी बरार ने कई शूटरों को मुंबई भेजा था। शूटरों ने सलमान खान के फार्म हाउस की प्रॉपर रेकी की थी, लेकिन सलमान खान के इर्द गिर्द सुरक्षा व्यवस्था बेहद पुख्ता थी, इसलिए उस दौरान भी प्लान को टाल दिया गया। ऐसे में तीसरी धमकी को मुंबई पुलिस बेहद गंभीरता से ले रही है। बंदोबस्त भी चौकस कर दिया गया है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। दिल्ली से अरविंद ओझा और मुंबई से दीपेश त्रिपाठी के साथ दिव्येश सिंह, आज तक। सलमान खान को धमकी भरा ईमेल भेजने वाले गैंगस्टर यू तो पहले से ही पुलिस के रडार पर है, लेकिन इस धमकी भरे ईमेल में ये बात साफ हो जाती है कि इन गैंगस्टर्स के हौसले कितने बुलंद हैं, जो पुलिस की इतनी सख्ती के बावजूद लगातार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ये चेहरा देश के लाखों करोड़ों दिलों में बसता है, पसंदीदा और दबंग हीरो सलमान खान लाखों करोड़ों फैंस की जान में बसते हैं। लेकिन इन दिनों इस हीरो के दिल में इन दो चेहरों ने अपनी जगह बना रखी है। एक है पंजाब का गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और दूसरा है उसका साथी और कनाडा में बैठकर हिंदुस्तान में गैंग चलाने वाला गोल्डी बराड़। पंजाब से लेकर मुंबई तक इन दोनों के नाम की दहशत फैल चुकी है। लॉरेंस बिश्नोई ऐसा गैंगस्टर है जो पिछले काफी अरसे से जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन उसकी जुर्म की हुकूमत बेधड़क चल रही है। पंजाब के सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से ही दोनों गैंगस्टर पुलिस की आंखों की किरकिरी बन चुके हैं। 30 साल का लॉरेंस बिश्नोई असल में एक पुलिस अफसर की औलाद है और चंडीगढ़ से पंजाब यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई कर चुका है। उसी दौरान लॉरेंस की मुलाकात गोल्डी बराड़ के साथ हुई थी। छात्र राजनीति के दौरान ही लॉरेंस ने पहला कत्ल किया था, जेल में रहकर बनाया था गैंग। कत्ल की उस वारदात के बाद लॉरेंस तो पकड़ा गया, लेकिन गोल्डी बराड़ कनाडा भाग गया। करीब 12 साल पहले लॉरेंस उस वक्त सुर्खियों में आया था जब उसने काले हिरण के शिकार के मामले में सलमान खान को जान से मारने की पहली बार धमकी दी थी। लेकिन उसके बाद तो सिलसिला ही चल निकला, मगर पिछले साल 29 मई को सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद से गोल्डी बराड़ का ही नाम
सबकी जुबान पर छा गया। पुलिस की तफ्तीश में ये बात सामने आ चुकी है कि जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई ने वर्चुअल नंबरों से विदेश में मौजूद गोल्डी बराड से कई बार बातचीत की और सिद्धू मूसेवाला को मारने की साजिश दिल्ली के तिहाड़ जेल में रची गई। असल में सिद्धू मूसेवाला का कत्ल एक गैंग वॉर का नतीजा बताया जा रहा है। असल में साल 2021 के अगस्त में मोहाली में विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या के बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सिद्धू मूसेवाला को ठिकाने लगाने का इरादा कर लिया था और उससे दुश्मनी ठान ली थी। असल में सिद्धू मूसेवाला के पीछे पंजाब का बम्बीहा गैंग था, इसीलिए सोशल मीडिया के जरिए सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई के अलावा गोल्डी बराड़ ने ली थी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने सरकार और पुलिस की नाक में दम कर रखा है। वैसे तो लॉरेंस बिश्नोई पिछले 8 सालों से जेल में बंद है, लेकिन उसकी साजिशें कभी बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। उधर गोल्डी बराड़ कनाडा से आपराधिक साजिशें रच रहा है और लगातार लॉरेंस के साथ मिलकर क्राइम सिंडिकेट चला रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सरकार आखिर इनके आगे बौनी साबित कैसे हो रही है। हिंदुस्तान से लेकर कनाडा और कनाडा से लेकर अमेरिका के कैलिफोर्निया तक गोल्डी बराड़ कानून को धत्ता बताता घूम रहा था और हिंदुस्तान की पुलिस उसे पकड़ने के लिए इंटरपोल के सहारे उसकी परछाई का पीछा करती घूम रही है। लेकिन जैसे ही एक बार फिर सलमान खान को धमकी भरा ईमेल भेजने का किस्सा सामने आया, ये नाम फिर सुर्खियों में छा गया। चिराग गोठी के साथ आज तक ब्यूरो। बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान को एक बार फिर धमकी मिली है और ताज्जुब नहीं है कि ये धमकी पंजाब के गैंग